सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स और एनी अदर लिनक्स और डीबियन ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर विंडोज विदाउट द यूजिंग ऑफ वर्चुअल मशीन। बिना वर्चुअल मशीन के यूज किए हम काली लिनक्स उबंटू या फिर डीबियन या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपने विंडोज 11 के अंदर इंस्टॉल करेंगे। और ये बहुत आसान हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ईजी कर दिया इसको विद द हेल्प ऑफ WSL। WSL ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस पर और बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। हम पूरा काली लिनक्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आप चाहें तो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टेप सारी सेम ही रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये काली लिनक्स का डॉक्यूमेंटेशन है और दो तीन लिंक्स और है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहाँ से आप अच्छे से पढ़ के सारी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके साथ जाने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ओपनिंग द पावर शेल विद द एडमिन एक्सेस। हियर वी नीड टू कॉपी द टू कमांड्स। यहाँ पे मैं दो कमांड कॉपी करनी है, ये वाली मैं दोनों को साथ में कॉपी कर लूँगा। आई विल देन रन। ओके ओके, वेट करते हैं। सो ये फीचर्स, सो ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अपना मशीन जो है, उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट मी क्लोज इट एंड रीस्टार्ट। सो हियर वी आर बैक अगेन। व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे हमने अभी तक ये कमांड्स रन कर ली, रीस्टार्ट कर लिया है। नाउ वी नीड टू इंस्टॉल द WSL2। लेट्स क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन दिस, ओपन लिंक इन न्यू टैब। हियर वी कैन डू द मैनुअल इंस्टॉलेशन। हियर इज द अनदर गाइड। ओके, वी नीड टू रन दिस कमांड। लेट्स कॉपी दिस, लेट्स गेट बैक टू हियर। ओपन द पावर शेल एडमिन, पेज द कमांड, क्लिक एंटर। नाउ लेट्स गो बैक टू द पेज। लेट्स टाइप हियर WSL --, install agenda. So when the WSL will be installed, it will look like this. After that you have to just create one more query, one more command. एक और कमांड हम यहाँ पे करेंगे, वो होगी हमारे अपडेट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है WSL को। सो ये दिखा रहा है कि WSL इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, बट स्टिल यू कैन अपडेट दिस। मैं इसे अपडेट करूँगा और आप वो भी कमांड यूज़ कर लेना, इन केस देयर एनी अपडेट वो हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू टाइप, WSL --update। अभी कुछ पैकेज इंस्टॉल कर रहा है अपडेशन के लिए मेरे इसमें। मैं कुछ समय के लिए वेट करता हूँ। अगर आपके इसमें इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा अपडेट नहीं करता है और डायरेक्ट आपको वापस एक क्लीन मैसेज देता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो WSL है वो पूरा अपडेटेड इंस्टॉल्ड हुआ है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पे कुछ समय वेट करूँगा, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारा जो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो पहले कमांड लगाई थी गलती से, जो मैंने पहले रन कर दी, वो अब हमको यहाँ पे रन करना है। दैट इज़ WSL सेट डिफ़ॉल्ट वर्जन 2। यहाँ पे WSL के दो वर्जन से, पहला वर्जन 1 है, वर्जन 2 है। वर्जन 2 इज़ मोर स्टेबल एंड मोर फास्ट एंड मोर एक्यूरेट। ज़्यादा एक्यूरेसी उसी के अंदर है, ज़्यादा स्मूथली वही चलता है, एंड दैट इज़ अ स्टेबल 1। तो हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। ओके, इफ यू हैव एन ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज़, लाइक विंडोज़ 10 अगर आपके पास है, तो आपके उसके हिसाब से बिल्ड वर्जन को चेक करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप चेक कर पाएंगे कि आपके बिल्ड वर्जन के हिसाब से कि आप वर्जन 2 आपको सपोर्ट करता है या नहीं, तो फिर आप वर्जन के साथ ही कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे मैं वर्जन 2 के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ और 99.9% मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसी के साथ जाइए। लेट्स हिट एंटर। ओके, इट हैज़ बीन ऑलरेडी वैलिडेटेड, ऐसा बोल रहा है। नाउ टू चेक दिस, सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे ये सक्सेसफुल ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी नीड टू चेक कि ये विंडोज सब सिस्टम लिनक्स के लिए इंस्टॉल हुआ है ना अच्छे से। वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वी कैन डू वन मोर थिंग। यहाँ पे आप जाइए और विंडोज़ फीचर्स पे सर्च करें और आप विंडोज़ फीचर्स टर्न ऑन एंड ऑफ पे जाओ। यहाँ पे जाके आप स्क्रॉल डाउन करो सबसे नीचे, यहाँ पे आपको दिखेगा विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, जिसको मेक श्योर कि टिक हो। बाय डिफॉल्ट टिक ही रहता है, बट आप मेक श्योर कि टिक हो, क्लिक ओके, दैट्स इट। अगर आपके पास विंडोज सब सिस्टम लिनक्स वर्जन 1 हो, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड WSL --set --version --kali-linux-2 को आप ऐसे करके आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करेंगे एंड वी विल इंस्टॉल टर्मक्स फॉर द विंडोज। अगर हम लिनक्स को इंस्टॉल करें तो हम उसको डायरेक्ट अपने डिफॉल्ट में भी चला सकते हैं, बट फॉर मोर गुड अपीयरेंस हम यहाँ से विंडोज टर्मिनल को इंस्टॉल करेंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट है पावर शेल, उसके अंदर हमारा लिनक्स चलेगा। बट हम ये कर लेते हैं। यहाँ पे दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, पहला विंडोज़ टर्मिनल है, दूसरा विंडोज़ टर्मिनल प्रीव्यू है। आई एम गोइंग फॉर द प्रीव्यू क्योंकि एक बेटर वर्जन, इसमें नए अपडेट्स आते हैं। बस अगर आपको
स्टेबल चाहिए तो फिर आप विंडोज़ टर्मिनल को इंस्टॉल कर लीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये वर्जन 1.20 है, वो वर्जन 1.21 है, बाकी दिस इज़ स्टेबल वन, बट फॉर नाउ आई एम गोइंग विद दिस वन। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्जन 1.21 है एंड हियर ये टर्मिनल जो है हमारा विंडोज़ का ये वर्जन 1.20 है। इसकी कोई नीड नहीं है, इट्स एन एक्स्ट्रा थिंग जो आई एम टेलिंग यू। ठीक है सो ये है हमारा विंडोज टर्मिनल डाउनलोड हो चुका है। नाउ लेट सर्च फॉर द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके आप ऐप सिंपल लिनक्स सर्च करो, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे उबंटू है, उबंटू का कोई नया अपडेट है, वो भी काली लिनक्स है, डीबियन है, और बस यही है फिलहाल, बाकी सब और भी है। फिलहाल मैं यहाँ पे काली लिनक्स के साथ जाऊँगा, सो मैं काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लूँगा अपने पीसी के अंदर। Here you can see कि यहाँ पे it will take almost 241 MB, that is not a big size, छोटा साइज ही है। एंड लेट्स चेक फॉर Ubuntu जब तक ये होता है। सो मैं यहाँ पे ये वाला कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो Ubuntu भी ले सकते हैं अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं। 580, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आग का भी है एंड आई थिंक पैरेट का भी होगा, लेट्स सी पैरेट OS, नहीं फिलहाल तो इन्होंने पैरेट का नहीं दिया, बट Ubuntu लिनक्स के लिए और आग का भी, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, यू कैन यूज द डेबियन ऑल्सो एंड आपके पास यहाँ पे ये भी है। ओके लेट्स गेट बैक टू काली। सो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया हमारा काली लिनक्स, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ऑन द लॉन्च। अब यहाँ पे नॉन रूटेड यूजर नेम के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड बोलेगा, सो मैं यहाँ तो काली एंड पासवर्ड भी मैं यहाँ पे काली ही रखूँगा, सॉरी मैच नहीं पाया, काली काली। ओके लेट्स ऑल। सो यहाँ पे काली ऑन चुका है, google.com, ओके क्लियर, यू नेम लिनक्स। ओके सो ये यहाँ पे मैं काली चल रहा है, अगर आप इसको हमने जो विंडोज़ टर्मिनल डाउनलोड किया था उसके अंदर यूज़ करना है तो आप सिंपली टर्मिनल सर्च करो एंड यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप लिखो काली, दैट्स ऑल, ये काली इंस्टॉल हो चुका है इंस्टॉल, यू नेम लिनक्स। आप यहाँ पे दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप Ubuntu यूज़ करते हैं, आपने Ubuntu इंस्टॉल करके रखा है तो Ubuntu एंटर करो आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे Ubuntu है नहीं तो ये नहीं देख ढूंढ पाया, बट होता तो वो भी रहता। तो आप इसके साथ साथ कई प्रकार के लिनक्स के OS वर्जन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये एक छोटा सा एक मिनिमलिस्टिक इंस्टॉलेशन है लिनक्स का, अगर आपको बहुत सारे टूल्स भी इंस्टॉल करने हैं सो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट। ओके और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। फिलहाल हम टर्मिनल वर्जन के अंदर है, अगर आपको GUI एक्सपीरियंस करना है तो उस चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फाइल दे रहा हूँ, आप उसमें बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में कमांड दे दूँगा, इसकी मदद से हम विंडोज़ विन के एक्स को डाउनलोड करेंगे। ओके उसके पहले हम कमांड रन कर लेते हैं, पहले sudo sudo apt upgrade ui, दैट्स इट। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे एंड ये हमारे काली लिनक्स को अपडेट करेगा और बाद में उन पैकेजेस को इंस्टॉल भी कर लेगा इसी कमांड। इट्स ऑलमोस्ट डन, सो ये अपग्रेड हो चुका है। नाउ वी नीड टू इंस्टॉल द केक्स, इसके लिए मैंने आपको एक कमांड दी, दैट इज sudo apt install y kali win keks। ओके दैट्स इट, हिट एंटर, इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। सो ऑलमोस्ट 80% हो चुका है एंड कुछ टाइम और वेट करते हैं सो ये पूरा 90% और 100% टच कर जाएगा। सो ऑलमोस्ट होने वाला है 98%, मोर फ्यू सेकेंड्स, थोड़ा सा बचा है, 100% हो चुका है। सो डाउनलोड पूरा हो गया, अब ये सभी को अनपैक करेगा और इंस्टॉल करेगा। सो ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही मैं आपसे मिलता हूँ, आप ये चीज़ कंप्लीट करके रखिए। तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो चुका है ये, ओके गुड। अब हमें GUI मोड में जाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको नोटपैड पे बहुत सारी कमांड्स दिए, ये कमांड्स थी, ये वाली जो कमांड थी हमारी इंस्टॉल केक्स, ठीक है ये थी, ये जो कमांड है टू रन GUI मोड केक्स -win -S, यहाँ पे एस हमारे साउंड सपोर्ट इनेबल करने के लिए, तो अगर आप यहाँ पे केक्स और विन करते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, बट फिर आपको बाद में -S ला के -S ला के साउंड सपोर्ट इनेबल करना पड़ेगा और भी चीज़ें। अब यहाँ पे जो लिनक्स को GUI मोड में चलाने के लिए तीन मोड है हमारे पास पे बेसिकली, पहला हमारा है जो फर्स्ट है वो है हमारा एक स्टैंडर्ड विंडो मोड, दूसरा है हमारा इनहेंस मोड और तीसरा है हमारा सीमलेस मोड, तीनों चीज़ देखेंगे। ओके, अगर आप डायरेक्ट अपने विंडोज़ टर्मिनल के अंदर हैं और काली पहले से ही रन कर रहे हैं सो आप ये कमांड लगा सकते हैं केक्स विन एस, या फिर अगर आप विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर है वहां से फिर आप WSLD काली लिनक्स केक्स विन -S ये कमांड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ करने के लिए, ठीक है। बाकी ये वाला जो कमांड है केक्स ESN ये हम यूज़ करेंगे अपना इनहेंस्ड वाला यूज़ करने के लिए, और ये हमारा सीमलेस
वर्जन, ठीक है। सो लेट्स रूल एवरी वन बाई वन। अभी हम ये वाली रूल करते हैं, अलाउ। ये ऑडियो के लिए मैंने बताया था ना, हाई फाइनेंस ऑडियो एनहेंस करने के लिए पासवर्ड यहाँ पे देते हैं हम काली, हिट एंटर। सॉरी, ओके। सो काली लिनक्स, काली लिनक्स, काली लिनक्स, ओके। सो ये हमारा काली है, बूम हो चुका है एंड एवरीथिंग इज ग्रेट। यहाँ पे बहुत स्मूथ चल रहा है। इफ़ यू कंपेयर दिस, इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे, एवरीथिंग इज हियर। यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं गूगल, गूगल सर्च करते हैं। ओके, हु एम आई, लेट्स चेक आवर आईपी एड्रेस। यानी बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर रहा है, वर्चुअल मशीन में जैसा करता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रन कर रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेरी फास्ट, ठीक है। ओके, वेरी गुड। लेट्स ओपन द टर्मिनल, पिंग गूगल डॉट कॉम। ओके, नेटवर्क अडॉप्टर भी काम कर रहे हैं सही से। इसको स्टॉप करता हूँ, क्लियर करता हूँ, यू नेम से नेम लिखता हूँ। ओके, सो रनिंग वेरी स्मूथली, बहुत अच्छे से रन कर रहा है। लेट्स पावर ऑफ दिस, वी कैन नॉट शट डाउन फ्रॉम यू, सो लेट्स यूज अल्ट प्लस F4। लेट्स गो टू लॉग आउट, लॉग आउट कर दिया, हम वापस विंडो से बाहर आ गए। अब यहाँ पे मैं इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन के अंदर अगर रन करके दिखाऊँ मैं VMware में, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है हमारे पास। लेट्स सी, यहाँ से मैं पावर ऑन कर देता हूँ उसको, उसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। सो यहाँ पे मैंने आपको दो कमांड और बताई थी। ये हमारा जो है ये वाला कमांड, ये सिमिलर है इसी के, बट इसमें एक चीज़ और है। इसमें RDP जो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है उसका यूज़ करके और अच्छे से इन्हेंस कर दिया है फीचर को। बाकी सेम टू सेम Hyper-V के बराबर ही एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। काली लिनक्स इसमें पासवर्ड, यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ मैं, यस। सो ये रिमोट डेस्कटॉप का यूज़ करके यहाँ पे ही मुझे यहाँ पे ले आया है। यूज़र नेम काली, पासवर्ड इज़ ऑल्सो काली। लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन और हम आ गए अपने OS के अंदर। वेरी गुड, यहाँ से आप चीज़ें अच्छे से कर सकते हो कि यहाँ पे आप छोटी विंडो कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। आई विल प्रेफर यू कि अगर आपको बार बार स्विच करना है तो आप ये करो, मतलब अगर आपको जाना है कहीं पे तो आप ऐसा कर ये यूज़ कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट्स गो टू फायरफॉक्स, एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेरी फाइन। यहाँ पे YouTube चला के देख लेते हैं। ओके, स्पीड टेस्ट करें, स्पीड टेस्ट करें। लेट्स डू दिस। ओके, स्पीड तो अच्छी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं स्पीड की। क्राइस्ट सर्च, लेट्स रोल माय वीडियोस। सो हियर इट इज, वाह नाइस। सो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से काम कर रही, एवरीथिंग वर्किंग फाइन। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है कि रिमोट कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा। हाँ, कर दो रिमोट कनेक्शन डिसकनेक्ट। यहाँ पे है तीसरी लास्ट चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अगर आप दोनों के बीच में स्विच करना चाहते हो, तो ये वाला जो है SL, सीमलेस एक्सपीरियंस वाला। इसमें आपके पास क्या फ़ायदा है कि इससे आप स्विच कर पाओगे विंडोज़ और इसके दोनों के बीच में आप यूज़ कर पाओगे इसको। देयर इज़ एरर, जब तक लूड होता है हम हमारे वर्चुअल मशीन के हाल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने काली दिया है, पासवर्ड भी काली ही है, सॉरी कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं काली। सो यू कैन सी कि अब तक ये लॉग इन भी नहीं हुआ, जबकि इसको मैंने 8 GB रैम अलोकेट करके रखी है एंड हाफ ऑफ द प्रोसेसर थ्रेड्स इसको देख रखे, बट स्टिल सो वे बिहाइंड में बहुत लैग कर रहा है। ओके, यू कैन सी टर्मिनल ओपन किया मैंने, टर्मिनल ओपन नहीं हुआ अभी तक, और इतने में हमने वहाँ पे पिंग भी कर दिया था गूगल को और यहाँ पे अभी तक टर्मिनल ओपन नहीं हुआ है। वैसे इतना स्लो नहीं चलता, बट राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उसमें से हो सकता है ये थोड़ा हो, बाकी बहुत अच्छे से काम करता है ये भी, बट वो ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है इसी से ज़्यादा पिंग गूगल। ओके, मैंने फायरफॉक्स भी ओपन किया था, मैं भूल गया, क्रॉस कर देते हैं google.com। ओके, कंट्रोल जेड, यू नेम लिनक्स, लेट्स टर्न दिस ऑफ, पावर ऑफ कर देते हैं। ओके, सो इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस विथ सुपर यूजर। सो लेट्स डू sudo kex-sl, हिट एंटर। घुमा फोन बता रहा है kex-sl sudo kex-sl s, अ फैटल एरर हैज अकर्ड एंड वी नॉट कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी लिस्टिंग सॉकेट, मेक श्योर अ नेक्स्ट सर्वर इजंट ऑलरेडी रनिंग, प्लीज ओपन टर्न ऑफ होम इंफॉर्मेशन रनर स्टार्टेड विद द फॉलोइंग कमांड लाइन, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्लिक हिट। ओके, सो इट्स नॉट वर्किंग हियर बिकॉज हमारा जो फायरवॉल है वो इसे डिसेबल कर रहा है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे कोई और आपका वर्चुअल मशीन ना चल रहा हो। यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल मशीन VMware चल रहा था, वो मैंने एग्जिट कर दिया और बैकग्राउंड में जो टास्क चल रही थी टास्क मैनेजर में वो भी उसके हटा दी। नाउ लेट्स गो टू सर्च फॉर दी अलाउ विंडोज डिफेंडर सेटिंग में जाना, अलाउ एन ऐप थ्रू विंडोज फायरवॉल। यहाँ पे आपको चेंज सेटिंग क्लिक करना, यहाँ पे VCX, ये देखो यहाँ पे आपका रन हो रहा होगा एक सर्वर VCXSRV, हमको यहाँ पर सर्च करना है। सब गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेट्स सी टास्क मैनेजर में ये कितना स्पेस ले रहा है, लेट्स सी। ओके, इट्स गेटिंग ऑलमोस्ट 75% ऑफ मेमोरी परफॉर्मेंस, मेमोरी 16 में से 12 GB इसी ने यूज़ करके रखी है। ओके,
and how much RAM it is using right now. 12 GB and 45 to 50%, 60% my CPU usage is already okay. So this is key how you can just perform such things, and it's an easy thing. Hope you video. Thank you.